लॉकडाउन की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट की परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा 18 अप्रैल को होने वाली थी, अब नई तारीख बाद में तय की जाएगी। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश भी लॉकडाउन की राह पर बढ़ता दिख रहा है। यहां 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू सख्त कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया तो आर्थिक मंदी के दूसरे झटके को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होगा। आज हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल के लॉकडाउन की वजह से देश को भारी आर्थिक झटका लगा था। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक देश में कोरोना महामारी के चलते सिर्फ 100 दिनों में खुदरा व्यापार को 15.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल से जून महीने में तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% दर्ज की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई। महामारी और लॉकडाउन की वजह से नौकरी गंवाने वालों की संख्या लगभग 1.89 करोड़ तक पहुंच गई। जाहिर है, फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगा तो पटरी पर लौटी देश की अर्थव्यवस्था तबाह होगी। ऐसे में सिर्फ एक उपाय है जो आपके हाथ में। आप खुद की सुरक्षा कीजिए, दूसरों की परवाह कीजिए और लापरवाही करना भूल जाइए। भूल जाइए, क्योंकि इस बार का वायरस टाइम नहीं दे रहा है। दूसरी लहर के वायरस की रफ्तार पहली लहर के मुकाबले 70% ज्यादा हो चुकी है। और तो और, यह वायरस RT-PCR टेस्ट को भी धोखा दे रहा है। हमारी अगली रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए और हो सके तो पूरे परिवार के साथ देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा वो जिससे कोरोना के विरुद्ध आपकी तैयारी मजबूत होगी। कोरोना महामारी का देश बेहाल, क्या वायरस डेडली हो चुका है? संक्रमितों के आंकड़े में बेहिसाब इजाफा। महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इंफेक्शन रेट के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। क्या कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बहुत घातक? मौजूदा दौर में कोविड केस के आंकड़े और मौत की रफ्तार कई सवालों को जन्म दे रही है। वैक्सीनेशन के दौर में आखिर कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान में हाहाकार क्यों मचा दिया? वो सिम्टम्स क्यों बदले जो अब तक कोरोना वायरस के शरीर में दाखिल होने की पुष्टि कर रहे थे? 2020 में आई महामारी ढलान से लौटकर 2021 में प्राण घातक क्यों हो चुकी है? तमाम सवालों का जवाब तलाशने TV9 भारतवर्ष की टीम ने एक्सपर्ट से राय मशवरा किया और जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। इस रिपोर्ट में हम आपको वायरस ब्लास्ट और कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस से जुड़े हर पहलू से रूबरू कराएंगे। लेकिन इससे पहले वायरस के कारण देश की स्थिति क्या है, इसे भी देख लीजिए। 15 अप्रैल को 24 घंटे में संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है, जबकि इसके पहले 14 अप्रैल को 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या 1,99,584 थी। इस दिन मौत का आंकड़ा 1,038 दर्ज किया गया। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 13 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या 1,85,297 दर्ज की गई थी। वहीं मौत हुई थी 1,026 लोगों की। ठीक इसी तरह 12 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या 1,60,838 दर्ज की गई थी और इसी दिन 880 लोगों की मौत भी हुई। हर दिन के संक्रमितों के आंकड़ों से टूटते रिकॉर्ड्स की एक तस्वीर है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? बड़े पैमाने पर चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बावजूद कोरोना वायरस इतना घातक कैसे हुआ? इसकी पड़ताल करने पर हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। अब संक्रमण की सबसे सन्न कर देने वाली रफ्तार का रियलिटी टेस्ट देखिए, जिससे कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा घातक होने की पुष्टि होती है। पिछली बार और इस बार के कोरोना के संक्रमण में फर्क है। पिछली बार जो कोरोना का संक्रमण था उसमें जो निमोनिया था वो दूसरे हफ्ते में होता था, लेकिन डॉक्टरों का दावा है कि इस बार पहले हफ्ते में ही हो रहा है, मतलब ज़्यादा खतरनाक है। कैसे, इस पूरे मामले को सिटी स्कैन के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं IMA के सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस डॉक्टर अनिल गोयल। सर, एक बार जरा हमें बताएं कि क्या है ये पूरा मामला? या दूसरी लहर में दूसरे दिन मरीज के फेफड़े पर सिटी स्कैन 50% संक्रमण है। ये जितना वाइट है ये सारा उसका इन्फेक्शन निमोनिया है, वायरल निमोनिया है, कोविड निमोनाइटिस है। दूसरे दिन का सिटी स्कैन है ये। लेकिन इसी तरह से आप जाएं तो दूसरी लहर में तीसरे दिन में ये 70% इन्वॉल्व है। सीटी स्कैन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं कि फर्स्ट वीक में इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया बढ़ रहा है। लेकिन इस बार बहुत एक और अजीब समस्या है कि यंग लोगों में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है।
25 साल 30 साल जो कोविड स्कोर पहले 8 10 12 15 भी नहीं होता था, अब यंग पेशेंट में 20 25 30 तक भी कोविड स्कोर पाया जा रहा है, बहुत बहुत अनयूजुअल। यानी दूसरी लहर की तस्वीर ये है कि जैसे ही स्वस्थ व्यक्ति कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ रहा है, उस 2 से 3 दिन में ही कोरोना वायरस पूरी तरह से संक्रमित कर रहा है। इसका आकलन पहली लहर की तुलना में बेहद डरावना है। पहली लहर में संक्रमण होने से 7 से 8 दिन का समय लगता था, लेकिन दूसरी लहर में फेफड़े तक संक्रमण 2 से 3 दिन में हो रहा है। पहली लहर में संक्रमण होने पर निमोनिया की शिकायत होती थी, लेकिन दूसरी लहर में फेफड़े 70% ही संक्रमित हो रहे हैं। खुलासा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि अब एहतियात ना बरती गई तो फिर हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। कोरोना वायरस इस समय 70 गुना खतरनाक हो गया है और ये तेजी से स्प्रेड कर रहा है। इसका एक मुख्य कारण तो ये है कि ये म्यूटेट कर गया है। इंडियन सार्स कोविड 2 कंसोर्टियम ऑफ जेनोमिक्स इंसाकॉक के हिसाब से वेरिएंट्स जो हैं VOC जिसका मतलब है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न 777 हैं। एक ब्राज़ीलियन कन्फर्म्ड है, 2 UK के कन्फर्म्ड हैं जिसमें B1.1.7 और B1.351। इसके अलावा ये कोरोना बहुत शातिर है, चालाक है और ये अपना स्वरूप बदल रहा है। अभी कितने स्वरूप बदलेगा ये कहा नहीं जा सकता। देश के हाहाकारी हालात कैसे बन रहे हैं, इसका पहला कारण तो साफ हो चुका है, लेकिन एक ऐसा खुलासा होना अभी बाकी है जो सन्न करने वाला है। ये खुलासा था वायरस की वो चाल जिसमें उसने RT-PCR टेस्ट को भी धोखा दे दिया। नतीजतन कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट नेगेटिव आने लगी और यही संक्रमण कोरोना कोरियर बन गई। जिन जिन में संक्रमण हो रहा है उनमें कोरोना है या नहीं है, इसके लिए जब RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, जबकि हकीकत में वो पॉजिटिव हो रहा है। दरअसल डॉक्टरों का कहना है कि इस बार वायरस ने कई लोगों में अपनी छुपने की जगह बदल ली है। मसलन नाक और गले से जो स्वाब लिया जाता था RT-PCR टेस्ट के दौरान, उस स्वाब से पता चलता था कि व्यक्ति संक्रमित है अथवा नहीं है, लेकिन अब जब उस स्वाब को लिया जा रहा है तो उससे निगेटिव आ रहा है, जबकि व्यक्ति पॉजिटिव होता है। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि ब्रोंकोस्कोपिक के माध्यम से लंग्स से चेस्ट जो है स्वाब लिया जा रहा है, तब जाके पता चल रहा है कि कोरोना का संक्रमण है अथवा नहीं है। संक्रमण की दूसरी लहर में करीब 25% मामले ऐसे ही दर्ज हुए जिनकी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन जब मरीजों की तकलीफ बढ़ी तो उनका CT स्कैन कराया गया और पता चला कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन पहुंच चुका है। इसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। ये हुआ कैसे इसे भी समझ लीजिए। नाक और गले के स्वाब में कोरोना नहीं मिल रहा है, वायरस सीधे चेस्ट और लंग पर असर डाल रहा है। कोरोना के लक्षण दिखने पर भी टेस्ट नेगेटिव आया, सिटी स्कैन करने के बाद संक्रमण का खुलासा हुआ और ऐसे मरीज दिल्ली में रोजाना 1-2 आ ही रहे, जिसका कारण है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। RT-PCR नेगेटिव होने के बावजूद भी हो सकता है कोरोना, सुनने में अजीब लग रहा हो लेकिन यह हकीकत है। नए वेरिएंट्स में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। क्या है यह पूरा मामला, बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल मौजूद हैं। सर ये क्या हो रहा है कि बताया जा रहा है कि RT-PCR नेगेटिव है फिर भी पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है? इसको कहते हैं कि क्लिनिकली अगर सिम्टोमेटिक है पेशेंट, मतलब उसको खांसी है बुखार है या उसको निमोनिया के सिम्टम्स हैं, एक्सरे चेस्ट में उसको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आ रहे हैं, CT में एक्सरे निमोनिया है, RT-PCR नेगेटिव होने के भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मिल रहे हैं। ये एक वेरिएंट जो आ रहा है एक अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, आगे आने वाले समय में और पता चलेगा, लेकिन ये सत्य है कि क्लिनिकली जो पेशेंट्स कोविड के हैं लेकिन RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, ये एक सत्य है, इनको कोविड की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। देश में बिगड़ रहे हालातों के पीछे डेडली कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है। स्थिति ये है कि सबसे हाहाकारी दौर में भी आम लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि इस वक्त सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। ऐसे केस आम हो रहे हैं जो संक्रमित हैं बावजूद इसके उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। देश में कोरोना ब्लास्ट का कारण यही हालात है जो आने वाले समय में और भी ज्यादा भयावह मंजर दिखा सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।